तो स्टूडेंट, टुडे वी विल रीड अबाउट माय परफेक्ट बॉडी। हमारी परफेक्ट बॉडी, फैमिली मेंबर्स यूजुअली रिजेंबल और लुक लाइक ईच अदर। फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं लगभग एक जैसे दिखते हैं। सभी लोग कैसे दिखते हैं? एक जैसे दिखते हैं। चिल्ड्रन ऑफन लुक लुक लाइक देयर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स इन मैनी वेज। बच्चे अक्सर अपने माता पिता या फिर दादा दादी की तरह दिखते हैं कई तरीके से। देयर आइज, हेयर, हाइट एक्सेट्रा मे बी द सेम एज देयर पेरेंट्स। उनकी आंखें, उनके बाल, उनकी हाइट हो सकती है उनके पेरेंट्स की जैसी। दे मे ऑल्सो बिहेव लाइक देयर पेरेंट्स इन मैनी वेज। वे कई हद तक अपने माता पिता जैसा व्यवहार भी कर सकते हैं। दीज करेक्टरिस्टिक्स विच ऑफन पास on from parents to their children are called hereditary traits। ये जो लक्षण है अक्सर उनके उनके ऐसे जो दिखाई देते हैं वो उनके बच्चों में या उनके माता पिता में एक जैसे अक्षर होते हैं, एक जैसे लक्षण होते हैं, उन्हें hereditary traits कहते हैं, यानी कि अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। Siblings also resemble each other। Sibling means होता है एक ही माँ की संतानें। सिबलिंग मीन्स होता है एक ही माँ की संतान है। तो सिबलिंग्स ऑल्सो रिजेंबल्स ईच अदर। सिबलिंग्स एक जैसे लगते हैं, एक दूसरे की तरह दिखाई देते हैं, एक जैसे लगते हैं। अपने भाई बहन को ही देख लो, आप दोनों एक जैसे लगते हो ना। रिजेंबल का मतलब होता है एक जैसे दिखना। आर बॉडी इज अ वंडरफुल मशीन विच कैन परफॉर्म मैनी फंक्शंस एट द सेम टाइम। हमारी बॉडी जो होती है बहुत ही वंडरफुल मशीन की तरह होती है, जो परफॉर्म करती है बहुत सारे, यानी कई सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकती है एक ही समय पर। जैसे कि हमें दिखाई भी देता है और उसी टाइम हम सुन भी सकते हैं, यानी कि हम टीवी को आसानी से समझ सकते हैं। अगर हम मूवी देख रहे हैं, कोई नाटक देख रहे हैं, कोई पिक्चर देख रहे हैं, तो उसमें कान और आँख दोनों एक साथ काम कर रहा होता है और हमारा माइंड भी उसी समय काम कर रहा होता है। यानी कि एक ही फंक्शन मतलब कई सारे फंक्शन हम एक ही समय पर कर सकते हैं। वी कैन रन एंड जंप। वी कैन रन जंप थिंक ईट एंड राइट। हम भाग सकते हैं, जंप कर सकते हैं, सोच सकते हैं, कुछ खा सकते हैं या हम लिख भी सकते हैं एक साथ। फॉर दीज एक्टिविटीज वी यूज आवर बॉडी पार्ट्स। ये एक्टिविटीज जो होती है हम अपनी बॉडी पार्ट्स में एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है। और फॉर दीज एक्टिविटीज वी यूज आवर बॉडी पार्ट्स। इन एक्टिविटीज के लिए हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आवर बॉडी इज मेड ऑफ मैनी पार्ट्स। हमारी बॉडी कई पार्ट्स की बनी होती है। ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शंस इन द बॉडी। हर पार्ट बॉडी का परफॉर्म करता है, एक पर्टिकुलर काम करवाता है, एक पर्टिकुलर काम करता है, ठीक है। क्या करता है? एक पर्टिकुलर काम करता है। ओके, द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी दैट कैन बी सीन एज नोन एज आवर एक्सटर्नल पार्ट। जो बॉडी का पार्ट हमें आसानी से दिखाई दे जाता है बाहर की तरफ, उसे हम एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स कहते हैं। आवर फेस हैंड लेग्स सम ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स। ये सब हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, इन्हें हम एक्सटर्नल बॉडी पार्ट कहते हैं। दीज आर फाइव सेंस ऑर्गन्स लाइक आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन। पांच सेंस ऑर्गन्स हैं जो हमारे बॉडी के बाहर की तरफ रहते हैं, ये एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स होते हैं। द एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ बॉडी आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स टू। जो बाहर की तरफ पार्ट्स होते हैं बॉडी के, उन्हें एक्सटर्नल ऑर्गन भी कहते हैं। These are essential parts of the body। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी body के parts होते हैं। Head, eyes, ears, nose, neck, chest, arms and legs are some of the external body parts। हमारा सिर, हमारी eyes, nose, neck, chest, हमारा arm, leg, ये सभी क्या हैं? ये external body parts हैं, जो क्योंकि हमें ये बाहर की तरफ दिखाई देते हैं। ये सभी क्या है? एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। क्लियर?
ठीक है, समझ में आया ये? हाँ क्लास थर्ड। हाँ थर्ड। अब आगे देखिए, द इंफॉर्मेशन दैट आर कॉल्ड सेंसेशन। जो इंफॉर्मेशन जो कि हमारे सेंस ऑर्गन के द्वारा रिसीव की जाती है उसे कहते हैं सेंसेशन। उसे क्या बोलते हैं? सेंसेशन बोलते हैं। हाँ, यानी कि सनसनी, सनसनाहट, सरसराहट, ये सब क्या है? ठीक है, आगे देखिए, आगे द फाइव सेंसेस आर साइट, हियरिंग, स्मेल, टच एंड टेस्ट। जो पांच सेंस ऑर्गन्स हैं, हाँ बोलिए, बताइए बेटा, बोलिए। कोई बात नहीं, मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, आप वीडियो देख लेना बेटा, मैं वीडियो आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, द फाइव सेंस ऑर्गन्स, द फाइव सेंसेस आर साइट, द फाइव सेंसेस आर साइट, हियरिंग, स्मेल, टच एंड टेस्ट। पांच जो सेंस होते हैं उसमें है साइट, साइट माने दिखना, हियरिंग माने सुनना, स्मेल माने स्मेल सूंघना, टच, टच माने छूना, एंड टेस्ट, जो हम टेस्ट कर कुछ भी खाते हैं तो जिसका टेस्ट लगता है वो। जी वी यूज आर आईज टू सी, हम अपनी आंखें यूज करते हैं देखने के लिए। वी टेस्ट आवर टंग फॉर, हम टेस्ट करते हैं अपने टंग को। एंड वी यूज आवर ईयर्स टू हियर, हम अपने कानों का उपयोग करते हैं सुनने के लिए। वी स्मेल आवर नोज, हम सूंघने के लिए अपनी नाक का इस्तेमाल करते हैं। आवर स्किन हेल्प अस फील थिंग्स, हमारी जो स्किन होती है हमें फील कराती है, जैसे कि अगर हमें ठंड लगे तो हमारे गूज बम्स हो जाते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमें ठंड लगती है। हमें पता कैसे चलता है? हमें हमारी स्किन के द्वारा हमें पता चलता है कि हमें ठंड लग रही है। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, अब ये सुनते हैं। द हेड इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। जो हेड होता है हमारी बॉडी का ऊपरी हिस्सा होता है, ऊपरी पार्ट होता है। इट बियर्स सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक ईयर्स, आईज, नोज एंड माउथ। ये बियर करता है, ये रखता है, कंसिस्ट करके रखता है महत्वपूर्ण पार्ट हमारी बॉडी के, जैसे कि हमारी आईज, हमारी नोज, हमारी ईयर, माउथ। ये सब कहाँ पाया जाता है? ये हमारे हेड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये हमारे हेड में पाया जाता है। हमारे हेड में क्या क्या चीजें बियर होती हैं? आईज, नोज, ईयर्स, माउथ, ये सब कहाँ होता है? ये सब होता है हमारे हेड पर। ठीक है, हाँ। द माउथ फर्दर कंटेन्स टीथ एंड टंग विच हेल्प अस च्यू एंड स्वेलो द फूड। और जो हमारा माउथ होता है उसमें क्या क्या चीज पाई जाती है? उसमें पाया जाता है वो, हमारा माउथ कंटेन करता है हमारे टीथ को। हमारे माउथ के अंदर ही तो हमारा टीथ पाया जाएगा। हमारा माउथ जो है उसमें हमारा टीथ पाया जाएगा और हमारा टंग भी पाया जाएगा। तो ये हेल्प किसमें करते हैं? च्यू मने होता है चबाना, स्वेलो मने होता है लीलना, खा जाना, खाने को स्वेलो कर लो। ये दोनों काम कौन करेगा? हमारा मुंह करेगा। तो हमारे मुंह में क्या क्या चीजें हैं? हमारे माउथ में क्या क्या चीजें हैं? टीथ है, टंग है, ये सब हमारे माउथ में है। और हमारा माउथ किसमें है? हेड में। क्लियर? द हेड ऑल्सो कंटेन द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, द हेड ऑल्सो कंटेन मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड इम्पॉर्टेंट ऑर्गन। जो हमारा हेड होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का। या हमारी बॉडी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जिसे हम ब्रेन कहते हैं उसे भी रखता है। हमारी बॉडी का जो CPU होता है, हमारी बॉडी का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, द हेड ऑल्सो कंटेन द मोस्ट कॉम्प्लेक्स
एंड एन इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी दैट इज कॉल्ड ब्रेन। हमारी बॉडी का बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन और महत्वपूर्ण भाग, इम्पोर्टेंट ऑर्गन ब्रेन को भी रखता है। किसको रखता है? ब्रेन को। ब्रेन को कौन रखता है? ब्रेन को कौन रखता है? हेड। क्लियर है? चलो, द ब्रेन इज एन इंटरनल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ब्रेन जो होता है इंटरनल पार्ट होता है हमारे बॉडी का, अंदरूनी भाग। क्या ब्रेन आपको बाहर से दिखाई देता है? क्या ब्रेन आपको बाहर से दिखाई देता है? क्या नहीं दिखाई देता? ब्रेन आपको बाहर से दिखाई नहीं देता। ये हमारा इंटरनल बॉडी पार्ट है। जो अंदर की तरफ रहते हैं उन्हें इंटरनल बॉडी पार्ट कहते हैं, जो बाहर की तरफ रहते हैं उसे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट कहते हैं। क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा है सभी को? ओके, समझ में आ गया तो ठीक है, मैं वीडियो ही भेजूंगा अभी। ओके, अगला है हमारा द नेक। नेक माने गर्दन। द नेक जॉइंस द हेड विद द सेट ऑफ द बॉडी। नेक जो होता है वो जॉइन होता है हेड से, बॉडी के बचे हुए पार्ट से, बॉडी के। ये देखो, ये लिखा हुआ है द नेक जॉइंट द हेड विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी। नेक जो है वो जॉइन करता है हमारे हेड को बचे हुए पार्ट से। आराध्य। आराध्य क्यों कर रहे हो भाई ये? आराध्य, नंबर काटूंगा मैं आराध्य के। द नेक अलाउज द हेड, देखिए अब इसमें लिखा हुआ है, द नेक अलाउ द हेड टू मूव फॉर आवर फोर डायरेक्शन। जो नेक है वो अलाउ करता है हमारे हेड को मूव कराने में, चारों डायरेक्शन में, चार डायरेक्शन में मूव करा सकता है, लेफ्ट राइट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, है ना। कहाँ कहाँ कर सकता है? लेफ्ट में, राइट में, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। हमारी गर्दन को, हमारी गर्दन को, हमारे हेड को, हमारा गर्दन जो है वो लेफ्ट राइट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड चार दिशाओं में कर सकता है। लेफ्ट राइट अप डाउनवर्ड, ये आपने देखा होगा, ये आप करके देख सकते हो। जैसे कि हमारे जो, देखिए ये हमारा बॉडी, ये हमारा हेड है, तो ये किधर, इधर भी घूम सकता है, इधर भी घूम सकता है, ऊपर की तरफ भी हम देख सकते हैं और नीचे की तरफ भी हम देख सकते हैं, ठीक है। द नेक जॉइंस द ब्रेन, द नेक जॉइन द ब्रेन, जॉइन द ब्रेन विद द बैकबोन। नेक जो होता है वो ब्रेन को ज्वाइन करता है बैकबोन से, विच इज मेन सपोर्टेड ऑफ द बॉडी। बैकबोन हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, आपको मालूम है ना ये क्या है? ये बैकबोन है, हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, और ऊपर जाके हमारा हेड भी इसी बैकबोन से ऐड रहता है, कनेक्टेड रहता है। क्लियर है? ठीक है। इट ऑल्सो कनेक्ट द नोज, नोज विद लंग्स थ्रो विंड पाइप। ये नोज से, नोज से लंग्स को कनेक्ट करता है, किसके द्वारा? विंड पाइप के द्वारा। एक विंड पाइप होती है यहाँ पर, यहाँ पे क्या होती है? विंड पाइप, जिसमें से नाक में से हम सांस लेते हैं ना, तो सांस विंड पाइप के थ्रू हमारे लंग्स में पहुंच जाता है, यहाँ लंग्स पाए जाते हैं, लंग्स में पहुंच जाता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है। हाँ, एंड माउथ विद द स्टमक। एंड माउथ, और जो हमारा माउथ है वो स्टमक से ऐड रहता है, वो किससे ऐड रहता है? स्टमक से, है ना, वो स्टमक से भी ऐड रहता है। स्टमक थ्रो विंड फूड पाइप। विंड पाइप से हमारा नोज कनेक्ट रहता है और फूड पाइप से हमारा स्टमक कनेक्ट रहता है माउथ के द्वारा। आ गई बात समझ में? देखो यहाँ होती है नोज, और नोज से हमारा ये आ गया हमारा विंड पाइप, जो हमारे लंग्स में चला जाता है। ऐसे ही हमारा होता है माउथ, माउथ देखो, माउथ द्वारा बना दी, देखिए हमारा ये माउथ होता है ना, ये हमारा माउथ है, तो माउथ हमारा किससे जुड़ा होता है? फूड पाइप से। इसे कहते हैं फूड पाइप, फूड
पाइप, ये फूड पाइप है, ये विंड पाइप है, विंड पाइप है, ये फूड पाइप है, इससे खाना अंदर साइड जाता है, इससे सांस से हवा अंदर जाती है, ठीक है, क्लियर है। द ट्रंक, अब ट्रंक क्या है, द ट्रंक इज द मेन सपोर्ट फॉर द होल बॉडी विच कंटेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ द बॉडी द बैकबोन। जो ट्रंक होता है ये क्या है, हमारा ट्रंक है, ये हमारा क्या है, ट्रंक है, ठीक है, ये हमारी बॉडी को क्या करता है, सपोर्ट देता है, ये हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है, हाँ, जिससे कि हम लोग हम सीधे खड़े रह सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर होता है हमारी बॉडी का। इट ऑल्सो कंटेंट आवर अदर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक हार्ट, लंग्स, किडनी एंड स्टमक। ये हमारी बॉडी के इम्पोर्टेंट पार्ट, हार्ट को, लंग्स को, किडनी को और स्टमक को क्या करता है, सब इम्पोर्टेंट पार्ट को क्या करता है, कंटेन करके रखता है ना, ये बैकबोन है ना, ये बैकबोन हमारी बॉडी के हार्ट को, लंग्स को, किडनी को, स्टमक को कंटेन करके रखता है। फिर इसके बाद है हमारा लिम्फ, द लिम्स क्या है, द लिम्स, देखिए इसमें क्या है, अब लिम्स दे रखा है, देर आर टू टाइप्स ऑफ लिम्स इन आवर बॉडी, दो प्रकार की लिम्स होती है हमारी बॉडी में, द लोअर लिम्स, द अपर लिम्स। लोअर लिम्स क्या उसकी कैसी होती है, लोअर लिम्स यानी कि हमारे पैर, ये लोअर लिम्स हैं, अपर लिम्स यानी कि हमारे हाथ। द लोअर लिम्स आर कॉल्ड लेग, लोअर लिम्स को हम लोग लेग कहते हैं और अपर लिम्स को हम लोग आर्म्स कहते हैं, क्लियर है। वी आर गिविंग हियर सम इम्पोर्टेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी, आइडेंटिफाई देम एंड राइट द इंग्लिश नेम। सुनो अब आपको क्या करना है, ये बच्चे की पिक्चर बनानी है। अब देखिए आपके लिए जो होमवर्क है वो ये है होमवर्क, पिक्चर दे रखी है, पहले फ्रंट पेज पे जाइए, उसमें एक बच्चा दिया हुआ है, इस बच्चे को आपको बनाना है, इसमें इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन दिखाने हैं, इसमें हैंड, आईज, नोज, ये सब दिखाना है आपको। आपकी आपकी नोटबुक में, आपके कॉपी में बनाना है इसे, जहाँ खाली पेज है। इसके अलावा आप क्या बनाओगे, इसके अलावा बनाओगे आप ये बैकबोन बनाना, आप अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब ये बनाओगे आप, ये पिक्चर बनाओगे, देखो ये वाली पिक्चर बनाओगे, ये वाली पिक्चर बनाओगे, और क्या बनाओगे, और ये बनाना है बैकबोन, क्लियर, बैकबोन बन गया और ब्रेन बनाना है, इतना चीजें आपको बनानी है। बाकी ये जो पिक्चर है, बाकी लास्ट में पिक्चर बनाओगे आप, लास्ट में पिक्चर बनाओ, हाँ हाँ देखो इसको स्पेलिंग लिखनी है इधर, देखिए मेरे, मैं ये वीडियो ओपन कर रहा हूँ, देखो ये फिगर दे रखे हैं, इनके नाम लिखने हैं आपको, ये क्या है, हार्ट, ये क्या है, हार्ट है आपका, हार्ट, ब्रेन, ब्रेन, ये दिस इज ब्रेन, बैकबोन, लंग्स, किडनी, स्टमक, स्टमक, ये चारों इनके नाम लिखने हैं आपको, ठीक है, एक फर्स्ट काम, सेकंड इज ये पिक्चर बनानी है आपको, ये नाम लिखने हैं, ये पिक्चर बनानी है, ये नाम लिखने हैं, ये वाली पिक्चर बनानी है, ये पिक्चर बनानी है आपकी नोटबुक में, ये पिक्चर बनानी है आज आपकी नोटबुक में, ये बच्चा बनाना है, और इसके एक्सटर्नल ऑर्गन जैसे इसका हेयर, ईयर, आईज, माउथ, नोज, हैंड, फिंगर, ये नोटबुक में बनाना है, ये नोटबुक में बना के इसके एक्सटर्नल ऑर्गन कौन से हैं नीचे लिख देना, नीचे लिखना पड़ेगा आपको एक्सटर्नल ऑर्गन, क्या लिखोगे, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल ऑर्गन, तो बाहर से आपको ऑर्गन, आपको बाहर क्या क्या दिखाई दे रहा है, इसके हाथ दिख रहे हैं, पैर दिख रहे हैं, मुंह दिख रहा है, नाक दिख रहा है, हेयर दिख रहा है, हेड, हेड दिख रहा है, गर्दन दिख रही है, चेस्ट दिख रहा है, पेट दिख रहा है आपको, नी दिख रहे हैं, एंकल दिख रहे हैं, ये आपको बनाना है, ठीक है।
चलिए अब फिनिश करते हैं पे क्लास, बाय।